सावन के महीने की सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सावन के महीने की इंतजार से पहले ही मेले लगने शुरू हो गए हैं, झूले लगने शुरू हो गए हैं और खूब खाने पीने के अंदाज भी निराले हो गए हैं सभी के। खूब आनंदी आनंद जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है। यहाँ पर फन फेस्ट हुआ है पंख टीम द्वारा और विशेष रूप से ये टीम पूरी तरह से सभी को आनंदित करने वाली है। और क्या खास इस फन फेस्ट में दिखाया जाएगा आपको, देखते रहिए हमारे साथ ये खास खबर। महिलाओं के उद्योग को सशक्त बनाने के लिए, अच्छा लाभ दिलाने के लिए तीन माहेश्वरी महिलाओं ने पंख नाम की ये कवायद शुरू की हैं और इन्होंने विशेष रूप से उन महिलाओं को जोड़ा है कि जो अपने घर से ही व्यवसाय कर रही हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए ये सब कवायद हुई हैं। इनको प्रोत्साहन देने के लिए विधायक राजसमंद दीप्ति किरण माहेश्वरी भी पहुंची और उन्होंने उन महिलाओं का हौसला बढ़ाया जो अपने घर से ही इस तरह के उत्पाद बनाकर अपने आर्थिक रूप से खुद का परिवार का तो विकास कर ही रही हैं, लेकिन पूरे समाज को एक नया संदेश दे रही हैं। क्या इस मेले में खास हुआ है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जहन में आता है, मन करता है हमारा की ऊंचाइयों को छुए और आसमान में विचरे। पंख एक सोच है, एक प्रयास है हमारी नेहा का, नेहा दरक, पूरम काबरा और स्नेहा मालानी का। इन तीनों ने अपनी सोच को पंख दिया और एक इसलिए वातावरण क्रिएट किया है। भली ये इनकी पहली उड़ान है, पर हमारी ऐसी विशेष है कि ये इनकी 100वीं उड़ान और 1000वीं उड़ान तक पहुँचे। और हमने कोशिश कर दिया ऐसे स्टॉल्स में महिलाओं को बुलाया है जो अब तक घर से ही अकेले काम करती थी, उन्हें मौका दिया, इंसिस्ट किया कि आप आइए। और कुछ सही में इन लोगों ने स्टॉल की प्राइस इस तरह से रखी है कि एक बार सबका मन करता है कि हम लोगों के बीच में जाए। तो मैं सभी बहनों से यही कह रही हूँ कि तीनों के लिए एक नई शुरुआत है, लिया मन परिवार को साथ है। मंच देना चाहते थे गृहणियों को जिन्होंने की थी अपने ही घर से शुरुआत है। अब इस पंख को चाहिए आसमान, जिसमें चाहिए हम सबको आपका साथ, आपका सम्मान। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगी स्नेहा जी और पूनम जी आप लोग इनका पढ़ना और मोमेंटम से स्वागत करें। दीप्ति जी के लिए यही कहना चाहूंगी, पंख पसार जिनका किया था इंतजार आज दीप्ति किरण जी पधारी, आपका बहुत बहुत सत्कार। कोई तमन्ना रखी है 2008-13 और 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में राजसभा में व्यापक जनसंपर्क एवं प्रचार कार्यों में भागीदारी रखी है। आप उदयपुर लॉयंस क्लब भारत विकास परिषद में सक्रिय रही है। लेडीज सर्कल राजस्थान, सामूहिक विवाह, सावरकर स्मृति, मृगेंद्र भारती के माध्यम से लोक शिक्षण, राष्ट्रीय महत्व विषय पर परिचर्चा, चिकित्सा एवं योग शिविर का आयोजन। महिलाओं के मेले में महिला विधायक जी आए हैं तो सब स्वागत कर रहे हैं और खरीदारी भी ये जमकर कर रहे हैं। ये जानते हैं कि कहाँ महिलाएं क्या कर रही हैं और किस तरह से महिलाओं को अब और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र में तो ये ध्यान रखते ही हैं और समाज के क्षेत्र में भी ये सभी को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ आई हैं और खूब प्रेम भाव से यहाँ पर एक एक चीज़ को देख रही हैं, एक एक उत्पाद को देख रही हैं और
सभी को प्रोत्साहन देने के लिए किसी न किसी स्टॉल पर रुककर उनको हौसला अफजाई भी कर रही हैं और विशेष रूप से उनके आर्थिक पक्ष मजबूत हो इसके लिए कुछ न कुछ खरीदारी भी कर रही हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि सभी होने चाहिए कि जो छोटे से छोटा काम करने वाले का भी हौसला बढ़ाए और उनको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ लाभ दिलाए। विशेष रूप से यहाँ पर जो भी महिलाएं आई हैं वो अपने घर से ही कुछ न कुछ ऐसे उत्पाद बना रही हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म यानी कि एक व्यावसायिक स्तर या स्थल नहीं मिल पाने की वजह से इनके लिए इनकी बिक्री और बढ़ाना मुश्किल हो गया है। ये मेले और ये सरकारी रूप से सहयोग ही इनके उत्पादन सही लाभ दिलाने के लिए स्थल बन सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे मेलों को प्रोत्साहित करें और विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं हैं उनको और प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। ये विशेष रूप से कारीगरी के बलबूते अपना हुनर दिखाती हैं और भारतीय जो परंपरा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये पारंपरिक रूप से अपने उत्पाद तैयार करती हैं। सभी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, चाहे वह छोटा कारीगर हो या बड़ा कारीगर हो। ये सभी जो महिलाएं यहाँ आई हैं मेले में, इनको प्रोत्साहन करने के लिए माहेश्वरी समाज की तीन जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी एक अलग रूप से पहचान बनाई है पंख के नाम से। सभी को पंख देकर इनके व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। सावन का मौसम आने वाला है और मेलों की शुरुआत हो गई है, कई जुलों की शुरुआत हो गई है, कई फन फेयर फेस्ट लग रहे हैं। माहेश्वरी समाज के इस फन फेयर फेस्ट में आए हैं और यहाँ सभी अपने अपने रूपों में खरीदारी कर रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं खाने पीने का भी। और यहाँ पर विधायक राजसमंद आई हैं, दीप्ति किरण माहेश्वरी। किस रूप में सभी को आप संदेश देना चाहेंगे कि अपने जीवन में खुशियाँ अपने मेलों से मिलती हैं, अपनी संस्कृति से मिलती हैं, अपने जो पारंपरिक रीति रिवाज तीज त्योहारों से मिलती हैं, कितना भारत भाग्यशाली है। बिल्कुल है भारत, और हमारे हर महीने में एक त्यौहार बन सकता है, उतने रंगों के अलग अलग रंगों के त्यौहार। और सावन तो चालू होते ही मुझे लगता है कि एक के बाद एक त्यौहार, पहले हमारे अभिषेक से चालू होता है हर सोमवार को अभिषेक करने के बाद, तीज का एक बहुत बड़ा महोत्सव माहेश्वरी बहनें मिलकर मनाती हैं, तो त्यौहार का टाइम वापस चालू हो गया, अब दिवाली तक कोई रेस्ट नहीं है। और इस तरीके के एग्जीबिशंस अब बहुत सारे लगेंगे और महिलाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि उनको एक मोटिवेशन मिलता है, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो आकर डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो घर बैठकर इतने इनोवेटिव और इतने बढ़िया आइडियाज लेकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दीप्ति जी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी प्रयास करते हैं कि महिलाओं को एक स्तर मिले और उनके जो उत्पाद हैं वो आगे से आगे बढ़े और उनकी खूब बिक्री हो, इसके लिए बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, राज्य सरकार ने, हमारी भजनलाल जी की सरकार ने जो 15 लाख लखपति दीदी का इस बजट में घोषणा करी है, बहुत ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी सब बहनों की तरफ से भी। और आप राजसमंद की बात करूँगी मैं यहाँ पर, कि हम लोगों ने किस तरीके से बहनों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर कि वो अपना उत्पाद जो बनाते हैं होममेड सोप से लेकर होममेड नमकीन और ऐसे अलग अलग उसको किस तरीके से ऑनलाइन सेल कर सके, उसकी हमने एक अलग से एग्जीबिशन, एक अलग से ट्रेनिंग उन लोगों को कराई थी। तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बहनें कैसे आगे बढ़ें और अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पूरे देश में सेलिंग करें। यहाँ पर भी जो तीन महिलाएं आई हैं पंख टीम की,
किस तरह से शुभकामना? बिल्कुल, मैं तीनों को बहुत बधाई देना चाहूंगी और ये कहूंगी कि आप ऐसे आयोजन हर 3 महीने में करें ताकि इन बहनों को, अलग अलग बहनों को अलग अलग जगह पे मोटिवेशन मिल सके और इनको कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों के एग्जीबिशन के थ्रू एक दूसरे को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ, स्वागत करती हूँ और ऐसे आप और लगाते रहें। ये मेला स्नेहा मालानी, नेहा माहेश्वरी और पूनम काबरा, हम तीनों ने मिलके आयोजित किया। और जब सोचा था तो यही सोचा था कि हमको कुछ करना है, बस ये कुछ करने के करना था, इसलिए छोटी छोटी सी बात को लेके और आज इतना बड़ा हो गया। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सक्सेस हो जाएगा हमारा मेला, लेकिन बस एक उड़ान बनी थी, एक सफलता हमको चाहिए थी जो बनी थी और लोगों को भी बनानी थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हम घर की लेडीज जो घर में रह के काम करना चाह रही थी उनको एक प्लेटफॉर्म देना था, उनको एक मंच देना था कि वो बाहर निकले और लोग उनको जाने, उनको पहचाने। आप बताएं क्या करना है? हम यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज जो घर में काम कर रही है या करना चाहती है या शायद बाहर निकलने से डरती है, उनको सबको बाहर निकालें और सब लोग कुछ ना कुछ करें, सब लेडीज़ कुछ ना कुछ करें। हम लोग हमारा इवेंट और जो साथ में घर की लेडीज़ हैं उनको साथ में लेकर और आगे अच्छा बढ़ना कर रहे हैं। आप दे रहे हैं? हम लोग स्पेशलाइजेशन इसमें कर रहे हैं, ये स्टोन्स के ज्वेलरी है जिसको हम स्पेसिफिकली बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और बनवा कर देते हैं। तो आपको कोई भी स्टोन की डिज़ाइन चाहिए, कोई भी स्टोन चाहिए नेचुरल स्टोन में, तो हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं। हम इसके साथ अपने एडीज के अंदर एडी ज्वेलरी हमारी और रोज का ज्वेलरी है वो हमारी स्पेसिफिकली होलसेल रेट में आपको अवेलेबल करिए। हमारा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आपको रेंडल भी मिलेगा अवेलेबल, आप प्लीज़ उस पर विजिट इंस्टाग्राम लगा है मेला। बहुत अच्छा लगा ये मेला, बहुत सारे अच्छे अच्छे तरह के कलेक्शंस हैं, वेरी नाइस कलेक्शंस, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं टू ट्राई, सो फन फेस्ट, रियली बेस्ट। सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में खूब मेले लगेंगे, खूब झूले लगेंगे। सावन का महीना आने वाला है, सावन के महीने के स्वागत में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है, कई मेले की शुरुआत हो रही है, कई झूलों की शुरुआत हो रही है और यहाँ फन फेस्ट मेला लगा है और खूब आनंद ही आनंद यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो भी खरीदारी करने के लिए आया है सबके चेहरे पर एक आनंद ही आनंद दिख रहा है। बताएं क्या खरीदा है आपने और कैसा लगा है सावन की शुरुआत? सावन की शुरुआत और बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा है हमें सब, और बहुत अच्छा लग रहा है, घूमकर मजा आ रहा है दोस्तों के साथ। हाँ बताओ आप। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव ज्वेलरीज हैं, इसकी एग्जीबिशन बहुत अच्छी है। हम लोगों ने सावन के पहले ही सावन के मजे खूब आ रहे हैं, हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी ली, यहाँ के अचार के सेक्शन से हमने बहुत सारा अचार लिया, हम इस मेले में आए हैं, हमें बहुत सारे साज श्रृंगार के सामान मिले हैं। हमारी फ्रेंड सुमन ने आपको बहुत अच्छा स्टॉल लगाई है और इसकी रेटें बहुत सही है, आप आइए विजिट करिए और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ आ गया लीजिए, इससे इसकी शॉप भी है। बताओ क्या क्या खाया पिया? चॉकलेट खाई, अचार खाई, मट्टी खाई, तो खूब मजे ही मजे यहाँ पर मेले में आ रहे हैं। और ये शुरुआत है सावन की, जब सावन लगेगा तब क्या अंदाज खुशनुमा होगा यह तो सभी बता रहे हैं। बताओ कैसा आनंद? ये सावन का महल जो माहौल है बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ शॉपिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। ये क्वीन लिटिल गर्ल लिटिल बेबी के साथ में शॉपिंग करने का बहुत ही मजा आ रहा है और ये जो यहाँ की महिलाओं ने जो साहस से मेला लगाया ये बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें महिलाओं की उपयोग की है यहाँ पर और बड़ा मजा आ रहा है। तो मजे ही मजे सावन के पहले सब ले रहे हैं और सावन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सावन आए और भी खूब आनंद लें।
मेले में आए हैं तो मेले का खूब आनंद ही आनंद सबको आ रहा है। ये मेले ने सावन की याद दिला दी है, सावन शुरुआत हो चुका है ऐसा लग रहा है। और ख़ास बात इस मेले की है, इस मेले में अपनी इंडियन कल्चर की झलक मिलती है। बड़े बड़े मॉल्स में जाने के बजाय इन मेलों में ज़्यादा आनंद आता है और इससे अपनी लेडीज़ और वुमेंस को इंकरेजमेंट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सबको और ऐसे ही आनंद मेला ये लोग करते रहे। थैंक यू। ये जो पंक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इवेंट बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम हुआ बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बारिश भी रही लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स अच्छा था। खाने पीने से लेकर शॉपिंग करने तक सब तरह की वैरायटी यहाँ पे, गेम भी बहुत अच्छे थे, बच्चों को भी एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। आइए 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 और कार रेसिंग का गेम जीतिए। 20 के 3 20 रुपए लगाइए और 30 रुपए लेके जाइए। आइए आइए आइए। और हमारे ऑल इंडिया माइश्री राष्ट्रीय महिला संगठन में बहुत बड़ी प्रभारी हैं ये संजीवनी सिद्धा की, और ये हमेशा महिलाओं को आगे रखती हैं। इन्होंने कोविड के टाइम पे फ्री भोजन और उसके अलावा ये समाज में मेडिकल इक्विपमेंट्स का बैंक लगवाने की स्थापना करी थी। वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लोगों को बहुत सहायता मिली और उसके बाद वो आज भी कंटिन्यू है और उनकी पूरी देख रेख में। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था अपने टेन्योर में गोबर प्लांट का, गोबर लकड़ी मशीन में लगाई थी, जिससे बूढ़ी बीमार गायें भी गोबर तो करती हैं, दूध नहीं देती है, तो गौशालाएं ये लकड़ी बेचकर आमदनी कर सकती है। और इसके साथ कोविड टाइम से चल रहा है कि हर महीने 1 लावारिस शव के लिए ये लकड़ी दी जाती है। तो इस तरह का काम होलिका दहन में भी यूज होती है ये लकड़ी। इससे क्या पर्यावरण की शुद्धता होती है, क्योंकि गोबर से बनी हुई लकड़ी है, पेड़ों की कटाई रुकती है और वातावरण की शुद्धि आम के आम और लेडीज को प्रमोट करने के लिए, उनको बिजनेस देने के लिए एक इतना अच्छा वेंचर या फेयर लगाया है, तो मैं इन लोगों को बहुत सारी बधाई देती हूँ। कीप इट अप, कीप गोइंग और लोगों को प्रमोट करें और उनको इसी तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देना, ये बहुत अच्छी बात है। एंड थ्री चीयर्स टू स्नेहा पूनम एंड महिलाओं को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए।